मेंस मेकओवर। आज मैं आपको ब्लीच फेशियल के बारे में बताने वाली हूँ कि ब्लीच और फेशियल क्यों और किस लिए होता है और ये इससे क्या बेनिफिट्स हैं आपको करवाने के लिए आपके फेस के लिए। तो लेट्स सी दिस वीडियो। पहले हम फेशियल करने से पहले हमेशा ब्लीच करते हैं। ब्लीच से हमारे दो फायदे हैं, एक तो आपकी टैनिंग रिमूव होती है और दूसरा आपके हेयर्स जो बहुत ज्यादा ब्लैक दिखते हैं जिससे फेस काला दिखता है तो वो आपका टोन मैच हो जाता है, हेयर्स ब्राउन हो जाते हैं इसलिए। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्लीच करने से पहले कभी भी आप डायरेक्ट ब्लीच कभी यूज ना करें क्योंकि उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट ब्लीच करेंगे तो उससे पहले आप फेस को क्लीन कर लीजिए क्लींजर से। क्लींजर से क्लीन हो गया है, अब आप इसको टिश्यू या फिर वेट टिश्यू या फिर वेट कॉटन से इसको क्लीन करेंगे, देन उसके बाद हम ब्लीच अप्लाई करेंगे फेस को क्लीन करने के बाद। मैं ब्लीच बना रही हूँ क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग, उनका फेस पे कितनी और किस हिसाब से ब्लीच जाएगी। अगर हमें बैक करना है तो हमें उस हिसाब से ब्लीच लेनी है, अगर हमें सिर्फ फेस करना है तो हमें उस हिसाब से ब्लीच लेनी है। अब मैं इसमें एक्टिवेटर मिला रही हूँ, एक्टिवेटर भी फेस के अकॉर्डिंग जाएगा कि फेस पे अगर ज्यादा बाल हैं तो हमें ज्यादा एक्टिवेटर मिलाना है, फेस पे अगर कम बाल हैं तो कम एक्टिवेटर मिलाना है। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा कम ही मिलाएं कि जिससे कि आपके उस फेस पे कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट ना हो, ना वो बर्न हो, ना वो उससे कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने ये इसमें 2 से 3 चुटकी मिलाया है क्योंकि इनके फेस पे टैनिंग और हेयर्स थोड़े से ज्यादा हैं तो इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलाया है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। रोज वाटर से ये होगा कि एकदम से अगर हार्म कुछ लग रहा होगा तो एकदम फेस पे वो नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाया है। अब मैं इसको ब्रश के साथ इसको मैश करूंगी, उसके बाद मैं क्लाइंट के फेस पे इसको अप्लाई करूंगी। ब्लीच हमेशा जब भी आप ब्लीच या पैक लगाएं तो उसको ऊपर की साइड लगाएं, नीचे की साइड कभी भी उसको अप्लाई ना करें, और हो सके तो ब्लीच को नेक से थोड़ा सा नीचे पार्ट तक भी यूज करें, नहीं तो फेस अलग दिखेगा और नेक आपका अलग दिखेगा। ब्लीच यूज हम इसलिए करते हैं कि फेस की हमारी टैनिंग जो और जो डेड स्किन वगैरह है वो फूल जाए और हमारे फेशियल में वो अच्छे से क्लीन हो जाए, ब्लीच हमारी इसलिए यूज होती है। ब्लीच को हमेशा आईज के थोड़ा सा दूर करके आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल पास में नहीं, और आईब्रोज से भी थोड़ा दूर रखना है। अप्लाई करने के बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट रखना है और बीच में हमें हर 5 या 7 मिनट बाद ब्लीच को मिक्स करना है जिससे कि वो फेस पे और जहां जहां हमने ब्लीच अप्लाई की है सब जगह वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कलर बहुत अच्छे से हम आपको दिखाई दे। आपको इसको फेस पे मिक्स करना है, ये आप या तो फिंगर से कर सकते हैं या फिर ब्रश से कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। After 15 मिनट जब हमारी ब्लीच हो जाएगी उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी ब्लीच में जो हेयर के कलर हैं वो ब्राउन हमारे हुए या नहीं हुए। तो ये हमारे कलर ब्राउन हो चुके हैं तो हमारा टाइम भी खत्म है, हमारा जिस चीज के लिए हमने लाया था वो भी काम हो चुका है, तो हमें अब ये ब्लीच रिमूव कर देनी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क है इसको रिमूव करना। ब्लीच हमारी हो चुकी है, अब हम फेशियल स्टार्ट करने वाले हैं। फेशियल में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्क्रब का, जो कि वैदिक लाइन का फॉर्मिंग फेशियल है। तो अब मैं आपको फेशियल के स्टेप्स करना बता रही हूँ कि फेशियल में स्क्रब के जो स्टेप है कैसे करने हैं।
फेशियल की क्रीम आपको जो स्क्रब आपको फिंगर्स पे लेने हैं, फेस पे अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के बाद आपको ये ड्राई नहीं छोड़ना है ज्यादा, क्योंकि अगर आप ड्राई छोड़ेंगे तो आपका फेस पे थोड़ा सा छिलने का डर रहेगा, तो इसलिए इसको या तो आप पानी से या फिर रोज वाटर से इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, जिससे कि आपका जो हाथ है वो अच्छे से फेस पे आपका वर्क करे। फेशियल में जो स्क्रब का जो हमारा स्टेप होता है, वो कभी भी आपको टाइट हाथों से नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि आप टाइट हैंड से करेंगे तो स्किन आपकी ड्राई भी होगी और उसके बाद ये आपको हार्मफुल भी हो सकती है स्किन पे। तो थोड़ा सा लाइट हैंड यूज करके ही स्क्रब का यूज करें। स्क्रब में जो आईज है उसको थोड़ा कम ही लेना है, क्योंकि अगर ये आईज में चला गया तो आपकी आईज को वो रेड कर सकता है या आपकी आईज में ये इचिंग दे सकता है, तो स्क्रब को थोड़ा आईज से अवॉइड ही रखिए तो ज्यादा बेटर है। और फेशियल कभी भी जब भी आप करें तो नेक के साथ साथ शोल्डर जरूर करें, क्योंकि शोल्डर में ये है कि नेक भी क्लीन होगा आपका, शोल्डर भी क्लीन होगा, तो अनइवन नहीं दिखेगा फेस और शोल्डर आपका। स्क्रब में जो हमारे स्टेप्स है वो आप देख सकते हैं कि फिंगर्स में किस तरह से चला रही हूँ। ये हमारे स्टेप शोल्डर से स्टार्ट होके ऊपर नेक से फिर आपके चिन, फिर उसके बाद चेक, देन उसके बाद आपके अपर लिप्स, नोज और फिर आईब्रोज, फोरहेड, आईज, ये सब आपकी कंप्लीट होती है। आपको डाउन टू अप लाना है फेशियल, कभी भी डाउन नहीं ले जाना है फेशियल, हमेशा डाउन टू अप लाना है, जो आपका नेक से स्टार्ट होके आपके फोरहेड पे फिनिश हो। अगर आपको फेशियल करते हुए स्क्रब में ऐसा लग रहा है कि हाथ आपका ड्राई चल रहा है और स्क्रब चुभ रहा है, तो आप उसमें रोज वाटर और वाटर का यूज जरूर करें, कभी भी ड्राई स्क्रब को यूज ना करें। स्क्रब करने का बेनिफिट ये है कि जो हमने इससे पहले ब्लीच की थी, ब्लीच में हमारी जो टैनिंग और डेड स्किन थी वो हमारी फूल जाती है, तो उसको हम स्क्रब से रिमूव करते हैं, और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी वो भी हमारे इसमें रिमूव होते हैं। स्क्रब के बाद हमारा सेकंड स्टेप है मसाज क्रीम, इसे हम स्क्रब के बाद अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा फेस जो स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो वो ड्राई ना दिखे और हमारी स्किन सॉफ्ट रहे और हाइड्रेट रहे। क्रीम लेने के बाद आपको वही फेस पे ये अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद जो स्टेप्स हमने स्क्रब में किए थे उसके थोड़े से अपोजिट आपको करने हैं। इसमें थोड़ा सा हाथ जो है आपको स्टेप के साथ थोड़ा सा टाइट चलाना है, जिससे कि आपकी जो आपने स्क्रब किया है, स्क्रब में जो आपकी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, टैनिंग, डेड स्किन जो है वो अच्छे से आपकी रिमूव हो जाए और स्किन आपकी ड्राई ना रहे और स्किन में आपको ग्लो दिखे और स्किन हाइड्रेट रहे। क्रीम का स्टेप अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारी पूरी स्किन में ऑब्जर्व हो गई है, तो हमें ऐसे ही क्रीम को ऑब्जॉर्ब करना है स्किन के अंदर, जिससे कि वो आपको फ्रेश फील करे और आपकी स्किन जो है वो ग्लो दे। क्रीम के बाद हमारा अप्लाई होगा जेल, जो कि थर्ड स्टेप है हमारा, तो हमें अब इसको अप्लाई करना है सेम वैसे ही जैसे हमने क्रीम अप्लाई की थी, वैसे ही जेल अप्लाई होगा 5 to 7 minutes ओनली। आफ्टर जेल हमारा फोर्थ स्टेप है मास्क। मास्क हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हमारे पोर्स ओपन हुए हैं उनको बंद करने के लिए, जिससे कि जो डस्ट और जो आफ्टर जेल आपको पैक लगाना है, पैक भी हमें ब्लीच की तरह ही लगाना है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा ब्रश। और इसका बेनिफिट ये है कि आपके पोर्स जितने भी ओपन हुए हैं सब बंद हो जाएंगे, जिससे कि इसमें डस्ट नहीं जाएगी और दाने निकलने का कोई डर नहीं रहेगा। मास्क को आप ब्रश या फिर फिंगर के हेल्प से लगा सकते हैं, बाकी अच्छा ये रहता है अगर आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो उसको ब्रश से ही अप्लाई करें, तो काम करने में भी अच्छा रहता है और हाइजीन भी रहता है। फेशियल के बाद आपकी बैक मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फेशियल में, जिससे कि क्लाइंट को रिलैक्स रहता है। और फेशियल में आपने 4 steps यूज किए थे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 steps यूज करें, उसको आप स्क्रब से या क्रीम से भी कर सकते हैं।
आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपको जो मैंने आज फेशियल किया वो मैंने आपको स्टेप वाइज जो कि क्रीम जो यूज होते हैं वो बताए हैं, बट मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फिंगर्स के स्टेप्स बताऊंगी कि नेक में, चिक में, चिन में, नोज में कितने तरह के और कितने स्टेप्स यूज होते हैं। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।